हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी एंड माय DIY चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पर ही आप कोको फेस मास्क कैसे बना सकते हैं। मार्केट में जब आप ये फेस मास्क लेने जाते हैं तो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है, तो क्यों ना आप इसको घर पे बनाओ और यूज कीजिए, और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, और ये ऑल स्किन टाइप को बहुत अच्छे से वर्क करता है। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एक क्लीन बाउल लेना है, क्योंकि जितना क्लीन हमारा बाउल होगा उतनी ही अच्छी हमारी रेमेडी बनेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच कॉफी पाउडर लेना है। मार्केट में काफी ब्रांड की कॉफी आती है, तो जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके आसपास इजीली अवेलेबल हो जाए, वो आपको कॉफी पाउडर को ऐड करना है। और अगर आपके पास कॉफी पाउडर नहीं है तो आप कोको पाउडर भी इसकी जगह यूज कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट तो हमने ऐड कर लिया है। सेकंड आपको क्या ऐड करना है, इसके अंदर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप यहाँ पर मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको कई बार होममेड एलोवेरा जेल बताया है कि आप घर पर कैसे बना सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो अभी मैंने मार्केट वाला एलोवेरा जेल लिया है, दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर क्या ऐड करना है, आपको यहाँ पर ऐड करना है हनी। हनी हमारी स्किन को बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है, साथ ही साथ नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। तो आपको आधा चम्मच यहाँ पर हनी को ऐड करना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको ऐड करना है वो है हल्का सा बेसन। घर में बेसन अवेलेबल सबके होता है। बेसन भी हमारे फेस की डेड सेल को रिमूव करने में काफी हेल्प करता है। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको यहाँ पर बेसन को ऐड करना है। अब जो हमारे मेन इंग्रेडिएंट तो ऐड हो गए। अब जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है, विंटर्स में तो वैसे भी काफी लोगों की स्किन ड्राई होती है, तो आपको यहाँ पर बेबी ऑयल का यूज करना है। डोंट वरी, अगर आपके पास बेबी ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकती है, या फिर बादाम तेल का भी यूज कर सकती है। मैंने यहाँ पर बेबी ऑयल का यूज किया है। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से मिक्स करना है, बट हमें यहाँ पर एक पेस्ट रेडी करना है। तो आपको पेस्ट रेडी करने के लिए आपको ऐड करना होगा यहाँ पर रोज वाटर। अगर आपके पास घर पर रोज वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और एक अच्छा सा पेस्ट आपको रेडी कर लेना है। वो पेस्ट ना ज्यादा थिक भी होना चाहिए, ना ही बहुत ही ज्यादा थिन होना चाहिए। तो आपको एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट रेडी कर लेना है। जो हमारा फेस मास्क है एकदम रेडी हो गया है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, काफी लोग रेमेडी बना लेते हैं पर उनको अप्लाई करना ही नहीं आता, तो वो रेमेडी कैसे वर्क करेगी। तो पहले आपको ध्यान से सुनना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है और उसको हल्का सा ड्राई कर लेना है। ड्राई कर लेने के बाद आपको पूरे फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करना है। आपके फेस के डार्क सर्कल भी इससे रिमूव हो जाएंगे। पूरे फेस पे इसकी अच्छे से लेयर लगानी है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है अपने फेस पर। और जैसे जैसे ये हल्का सा सेमी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसको अच्छे से रब करना है। आप थोड़ी सी पानी की हेल्प से भी इसको पूरे फेस पे अच्छे से इसकी रबिंग करके मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से क्या होगा, हमारी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, तो हमारी बॉडी के अंदर और हमारे फेस के अंदर ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए इसको पूरे अपने फेस से रिमूव कर देना है, और आपको नॉर्मल पानी से अपना फेस वॉश कर लेना है।